एवरीवन, ये है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स का शेयर। जो शेयर का प्राइस है यहाँ पर 1658 रुपये है और इस शेयर में आज हमें जो है 1.1 मिलियन की यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिली है और जो शेयर है उसमें हमें यहाँ पर 41.46% तक के नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस शेयर के चार्ट पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो शेयर है वो ठीक चल रहा था, जैसे ही ऑर्डर की खबर आई तो यहाँ पर शेयर गिरकर फिर यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम इसमें देखने को मिल गया। तो देखते हैं यहाँ पर क्या ऑर्डर आए हैं, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग अपसाइड के बाद यहाँ पर जो है शेयर में गिरावट देखने को मिला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं मार्केट कैप यहाँ पर 19,001 करोड़ था। अब जो है पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो यहाँ पर 51.7 है, जो कि यहाँ पर ठीक है लेकिन इतना कुछ खास भी नहीं है। अब यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो वो 11.4 है। अब आगे यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो वो यहाँ पर 0.6 है और पी यहाँ पर जो है शेयर का वो 1.2 है और यहाँ पर रेवेन्यू जो है 3,846.5 करोड़ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इस शेयर के क्वार्टर के रेवेन्यू को, तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है, एक्सपेंस भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है, एबिटिटा और नेट प्रॉफिट बाकी सब कुछ यहाँ पर पॉजिटिव आया है। अब इस शेयर के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो शेयर का भाव है वो 2% यहाँ पर बढ़ा है और ऑर्डर मिलने के बाद यहाँ पर खबर आई कि एक साल में जो है ये 150% का मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया न्यूज़ है यहाँ पर। और बात करें कि यहाँ पर बंगाल सरकार की WBIWTSD प्रोजेक्ट के तहत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी के डिज़ाइन, निर्माण और उनके रखरखाव के लिए इनको जो है 2 लेटर ऑफ असिस्टेंस मिले हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से ऑर्डर है 100 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी और 200 ट्विन टेक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी। तो इससे पहले भी यहाँ पर प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ऑर्डर के बारे में और यहाँ पर बाकी 7,500 MPV और यहाँ पे TDW मल्टीपर्पज़ वेसल्स की यहाँ पर बात हो रही है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस शेयर के प्राइस की, प्राइस 1,653.80 रुपये है। गिरावट यहाँ पर जो है देखने को आपको मिली है इस शेयर में 1,075 के से यहाँ पर प्राइस टूटने लग गया है। तो अगर आप होल्ड करना चाहे तो लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से सही है। शॉर्ट टर्म में आपको जो है यहाँ पर ऐसे ही अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के मूवमेंट तो देखने को मिलते ही रहेंगे, तो शॉर्ट टर्म के लिए इतना कुछ खास नहीं है, बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, लॉन्ग टर्म के लिए।